पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े 11,400 करोड़ के घोटाले को लेकर विपक्षियों के साथ साथ अपने भी मोदी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। पहले शत्रुघ्न सिन्हा और अब यशवंत सिन्हा ने भी मोदी सरकार को घेरते हुए हमला बोला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने इस मामले में कहा कि कांग्रेस बीजेपी जिस तरह से एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं उससे तथ्य सामने नहीं आएगा। उन्होंने मांग की है कि आरोप प्रत्यारोप के बजाय सरकार 2011 से 2017 तक जितने भी LOU नीरव मोदी की कंपनी को जारी हुए हैं उसकी जानकारी सार्वजनिक करे। इससे जनता को पता चलेगा कि UPA के समय में 2011 से 2014 तक कितने LOU जारी हुए हैं और फिर NDA सरकार के कार्यकाल में कितने LOU जारी हुए हैं। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए यशवंत सिन्हा ने कहा कि मैंने भी वित्त मंत्रालय चलाया है, इसलिए ऐसा कह सकता हूं कि बैंक के बड़े अधिकारियों पर राजनैतिक दबाव भी रहता है। इस तरह के लोन के लिए कई बार बैंक के अधिकारी दबाव में आ जाते हैं। यशवंत सिन्हा मानते हैं कि NDA UPA इस मुद्दे पर सियासी खेल खेलने में लगी है। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ कह रही है कि PNB के कहने पर FIR हुई और दूसरी तरफ कह रही है कि उसने 6,000 करोड़ की रिकवरी कर ली है, लेकिन देश से भाग चुके आरोपियों को कब तक और कैसे वापस लाया जाएगा इस पर कोई कुछ नहीं कह रहा। यशवंत सिन्हा ने सरकार के भगौड़ों को वापस लाने के दावों पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि ये इतना आसान नहीं होगा। सरकार को तो ये भी पता नहीं कि वो किस देश में छुपा है और उस देश के साथ भारत की प्रत्यर्पण संधि की क्या स्थिति है। पहले शत्रुघ्न सिन्हा और अब यशवंत सिन्हा ने भी एक बार फिर विपक्ष की भूमिका में आते हुए PNB घोटाले को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार पर निशाना साधा है। विपक्षियों के सवालों से निपटने में जुटी BJP को भीतर खाने से हो रहे हमले ज्यादा बेचैन कर रहे होंगे। इंडिया न्यूज वायरल की रिपोर्ट।